हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय लाइफ चैनल। आज हम लोग चलेंगे घर का सामान लाने, जो कि इंडियन शॉप में ही मिलता है। पोलैंड के मार्केट में इंडियन ग्रॉसरी शायद नहीं मिलती है जो हमें चाहिए होती हैं। हमें अपनी ग्रॉसरी इंडियन स्टोर में ही मिलेंगी। तो चलिए हम लोग लिफ्ट से उतर कर अब हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं, और थोड़ा सा सामान हमें पॉलिश मार्केट से भी लेनी है। तो ये देखिए, हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ये नीचे का आउटसाइड एरिया है, ये पार्किंग है। अभी हम लोगों को थोड़ी, मुझे मेयोनीज़ वगैरह चाहिए थी जो कि घर के नीचे ही मिल जाती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। और ये देखिए, घर के नीचे पार्क है, जो कि इतने पेड़ पौधे जो हैं सारे पत्ते सब गिर चुके हैं स्नोफॉल की वजह से, फिर भी ये कितने खूबसूरत लगते हैं। पत्ते नहीं हैं, बट जब भी धूप आएगी अपने आप पत्ते आ जाते हैं इसमें, और सब ग्रीनरी अच्छी हो जाती है। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये देखिए, हमारे घर के नीचे ही एक मार्केट है जो कि पॉलिश मार्केट है, और इसका नाम है विद्रंका। अभी हम लोग इंटर करेंगे। यहाँ पे लोग ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं कैमरे के लिए, तो थोड़ा बहुत ही मैं आपको दिखा पाऊँगी यहाँ पर। तो अंदर चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर कॉफ़ीज़ वगैरह लगी हुई हैं अलग अलग वैराइटीज़ की, और लिप्टन टी भी है। ये देखिए, यहाँ पर सॉसेज वगैरह हैं। यहाँ पे नॉन वेज और वेज सब कुछ मिलता है। नॉन वेज सॉसेज भी नॉन वेज वगैरह नॉन वेज में मिलती हैं, बट हम लोगों को तो वेज चाहिए, तो इसलिए हम लोग वेज सेक्शन में आए हुए हैं। ये देखिए, मेयोनीज मुझे लेना है, मेरे हस्बैंड के हाथ में है। टाओ टाओ, जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी सॉस है एक। और मुझे सोया सॉस भी लेनी थी, उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा सही रहेगा। ये सामने वाली बॉटल में टोमेटो प्यूरीज आपको दिख रही हैं, ये ऊपर वाली बॉटल में रेड कलर की टोमेटो प्यूरीज हैं जो बॉटल्स में मिलती हैं यहाँ पर। नहीं है। ये सब सॉसेस वगैरह हैं, मेयोनीज। और ये देखिए, हमारे घर के अपार्टमेंट है ये, जो हमारा ये सामने आपको बिल्डिंग दिख रही हो, ये अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट के नीचे ही स्कूल है, बच्चों का प्ले स्कूल है, और ये शॉपिंग मार्ट है। ये स्कूल है, जो आपको बच्चों के खेलने की चीज़ें लगी हुई हैं, ये स्कूल है। जस्ट हमारे घर अपार्टमेंट के नीचे स्कूल है एक बच्चों का, और ये दूसरी साइड वाला स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों का स्कूल है, वो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों का था। दो दो स्कूल हैं जो हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही हैं, बट मेरे बेटे का स्कूल में यहाँ जो एडमिशन हुआ है वो थोड़ी दूरी पर है, उसके लिए भी मैं एक दिन आपको ले चलूँगी वहाँ पर। अभी हम लोग जाएंगे, मेरे बेटे को ज़रा कोल्ड कफ हो रखा है, तो उसके लिए अभी हम लोग चलेंगे यहाँ मेडिकल शॉप पर। और यहाँ पर जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं अपने इंडिया में, हर मेडिकल शॉप्स के अलग अलग नेम्स होते हैं, अपने अपने नाम पर या किसी के नाम पर रख लेते हैं, बट यहाँ भी जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं उनका नाम हमेशा आप हर जगह देखेंगे एप्टेका लिखा होता है, APTEKA एप्टेका। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एप्टेका लिखा रहता है। एप्टेका जहाँ भी आपको मिल जाए, आपको समझना होगा कि ये मेडिकल शॉप है। ये देखिए एप्टेका। अब हम लोग निकल चुके हैं बेटे की दवा लेकर के। तो अभी हम लोग सिग्नल क्रॉस कर एक इंडियन शॉप और है यहाँ पर, जहाँ पर मेरे हस्बैंड को कुछ अपनी चीज़ें लेनी है, वहाँ देख लेते हैं, फिर चलते हैं लिटिल इंडिया, जहाँ पर हम अपनी ग्रॉसरी खरीदेंगे। यहाँ का सिग्नल सिस्टम इतना अच्छा है कि पब्लिक को चलने के लिए एक सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहाँ पर चलने का निशान एक बना हुआ है कि अभी आप चल सकते हैं इसमें। तो अभी देखिए, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करके फिर देख चलते हैं इंडियन शॉप में। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये देखिए, रेड सिग्नल हो चुका है, अब कोई क्रॉस कर नहीं सकता यहाँ पर।
ये थोड़ी रोड के उस साइड शॉप्स हैं। ये सामने आपको दिख रहा है हौला मिरोज का, हौला मिरोज का। यहाँ पर ऐसे अजीब अजीब नाम है जो लेने में भी समझ में नहीं आता क्या बोलें इसको। ये देखिए रेड कलर से रॉसमैन लिखा है। यहाँ पर आपको सारे कॉस्मेटिक्स के आइटम्स मिल जाते हैं, हर जगह रॉसमैन मिलेंगे। हर जगह आपको विध्वंका मिलेगा, जहाँ पर ग्रोसरी मिलती है रॉसमैन में आपको सारे कॉस्मेटिक के आइटम मिलते हैं। और ये जो हौला मिरोज का है, ये बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है, कपड़े जूते और जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो। अब हम एक और सिग्नल क्रॉस करेंगे। ये देखिए रेड सिग्नल लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा रुकने का साइन बना हुआ है। तो अभी मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर, जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा फिर हम लोग क्रॉस करेंगे। मेरे हस्बैंड को जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो चलिए अब हम लोग लिटिल इंडिया ग्रॉसरी शॉप चलते हैं, क्योंकि हमें ट्रेन से जाना होगा। ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई है, तो अभी हम लोग ट्रेन में चलेंगे। आपको दिखाते हैं इंडिया का ग्रॉसरी शॉप कैसे है। यहाँ पर हर जगह क्रॉसिंग्स हैं, बट आपको उनको फॉलो करना होता है, आप ऐसे नहीं जा सकते क्रॉस करके। देखिए ऊँची ऊँची बिल्डिंग, दो एमएलसीज वगैरह हैं, सभी लोग यहाँ पर अपना रूल्स फॉलो करते हैं, कोई रूल्स को तोड़ता नहीं है यहाँ पर, सभी रूल्स फॉलो करते हैं। तो बस अब हम लोग इंडियन ग्रॉसरी शॉप के नज़दीक ही पहुँच चुके हैं, एक सेकंड या दो सेकंड की दूरी पर। ये देखिए आपको सामने से दिख रहा है इंडियन ग्रॉसरी शॉप के जस्ट बाजू में इंडिया गेट एक रेस्टोरेंट है, जो अभी आपको ब्लैक कलर से ऊपर होर्डिंग बनी हुई दिख रही होगी। थोड़ी और नज़दीक चलते हैं हम लोग। इसका नाम है इंडिया गेट। यहाँ पर सिर्फ इंडियन फूड ही मिलता है और वेजिटेरियन। ये देखिए इंडिया गेट, हमारी इंडिया यहाँ तक पहुँच गई है। इन लोगों ने पॉलिश नेम से भी यहाँ पर रखा है रेस्टोरेंट को, जैसे अपने इंडिया में रेस्टोरेंट बोलते हैं, ये लोग रेस्टोरेजा इंडिस्का बोलते हैं। रेस्टोरेजा मीन्स रेस्टोरेंट, इंडिस्का मीन्स इंडिया, इंडिया का रेस्टोरेंट। और इसके जस्ट बाजू में हमारा ग्रॉसरी स्टोर है। ये देखिए लिटिल इंडिया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिटिल इंडिया। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और थोड़ा सामान ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह हैं, जो पिकल्स, वेजिटेबल्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन, बट यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत बहुत ज़्यादा ही महंगी हैं, जो बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं विदेशों में इंडियन वेजिटेबल्स। इंडियन मसाले अफोर्डेबल हैं, ठीक ठाक मिल जाते हैं यहाँ पर। येलो पीस, चने की दाल, सारी दालें यहाँ रखी हुई हैं। प्योर घी भी दिख रहा होगा आपको, काउ घी। ये देखिए डोसा बैटर है, डोसा मिक्स, बट मैंने एक बार ट्राई किया था बट उतना अच्छा नहीं है, जिसको हैबिट है वही बना सकता है ये। और इसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो आप घर पे बैटर बनाते हो, वो टेस्ट नहीं आता, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो हम लोगों ने सामान ले लिया अभी घर का,
चलते हैं, फिर से ट्रैम लेंगे और इसके बाद घर चलेंगे। ये आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा वॉर्सोवा सेंट्रल, ये सैमसंग की बिल्डिंग है जो आपको सामने दिख रही है, कंपनी है सैमसंग कंपनी। और ये कबूतर वगैरह कितने खूबसूरत दिख रहे हैं उड़ते हुए, ये देखिए वॉर्सोवा सेंट्रल। ये है रेलवे स्टेशन, यहाँ का रेलवे स्टेशन है। तो हम लोग अब घर घर के पास आ चुके हैं, ये देखिए हमारी बिल्डिंग है सामने आपको दिख रही होगी। हम लोग अब घर की तरफ आ चुके हैं, चलिए अब हम चलते हैं घर और फिर बनाते हैं खाना और फिर करते हैं दूसरा काम। यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी तरीके से लगी हुई हैं पार्किंग में, बट इनको पार्किंग का चार्ज भी लगता है। सोसाइटी के नीचे जितनी गाड़ियाँ खड़ी होती है उन्हीं की होती हैं, बट उनके चार्जेस भी होते हैं। मेरे हाथ में इतना सामान है कि मुझे कैमरा पकड़ना मुश्किल हो रहा है, बहुत ही स्लो चल रही हूँ मैं। ये देखिए ऑडी वगैरह BMW ये सब तो यहाँ के लिए कॉमन है, हर एक इंसान के पास यहाँ ऑडी और BMW ही मिलेगी आपको, कोई इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। तो अब हम आ गए अपार्टमेंट के नीचे, अपार्टमेंट के नीचे भी हमारे तीन डोर लगे हुए हैं। फर्स्ट गेट से हमने इंटर किया, ये है सेकंड डोर, अब ये एक थर्ड डोर आपको सामने दिख रहा होगा, उसके बाद आप लिफ्ट के पास जा सकते हैं। और यहाँ पे की सिस्टम है, जो आपके पास की है उसी से ही आपका गेट खुलेगा, अदरवाइज़ आपका गेट खुल नहीं सकता। जो यहाँ रहते हैं वही उस गेट को खोल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में ही है जो आपकी की होती है। और यहाँ अपार्टमेंट में दोनों तरफ मिलाकर के 6 लिफ्ट लगी हुई हैं, एंट्रेंस में 6 लिफ्ट हैं, 3 लिफ्ट हैं और बैक साइड में 6 लिफ्ट हैं, 3 लिफ्ट हैं। तो ये देखिए 3 लिफ्ट हमारे सामने आपको दिख रहा है, एक 5 नंबर पे, एक 3 नंबर पर और एक 10 नंबर पे आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं 6th फ्लोर पर रहती हूँ, 6th फ्लोर पर पहुँचने ही वाले हैं अभी हम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।